हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मैगजोन। आज हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, अब उसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग लास्ट टर्न में पढ़ रहे थे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है दो टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये दो टाइप्स का हो सकता है। पहला होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, या कह दें पहला होगा एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, दूसरा होगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में? देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रा हमारा तब ऑब्टेन होगा जब कोई सब्सटेंस क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने रेडिएशन को एमिट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो मिला हमें वो मिला एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा हमें एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें तब मिलता है जब कोई हमारा सब्सटेंस जो है किसी सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी इसने क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और फिर क्या करेगा यहां पे, एंड लीव डार्क स्पेसेस इन ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में इसके कुछ क्या हो गए, कई जगह डार्क स्पेसेस आ जाएंगे जब ये एमिशन लीव करेगा, तो उन स्पेक्ट्रम्स में कुछ जगह हमें डार्क पैचेस दिखेंगे, कुछ जगह ब्राइट पैचेस दिखेंगे, ठीक है। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा है हमारा उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये दो डिफरेंसेस हैं बिटवीन एब्जॉर्प्शन और हमारे एमिशन स्पेक्ट्रा में। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी हमारी, जो मैक्सवेल ने दिया, उसके भी कुछ लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थे, वो हमारी जो थ्योरी थी वो क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और दो इफेक्ट और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो चीजों को और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहला क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखिए, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर कोई भी रेडिएशन आए वो सब का सब क्या कर ले, ठीक है, कोई भी रेडिएशन इस पर आए, ठीक है, इट विल एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन एंड इट विल एमिट नथिंग। ये एमिट कुछ नहीं करेगा लेकिन सबका सब क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेगा, एमिट कुछ करेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लैक बॉडी बोल दिया। लेकिन हमारी ब्लैक बॉडी जो है ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ ब्लैक बॉडी अपीयर्स ब्लैक, हो सकता है ये ब्लैक ना हो। जैसे हम लोगों ने क्या माना है, आइस को भी कुछ वेवलेंस के लिए क्या माना है, ब्लैक बॉडी माना है, क्योंकि वो कुछ वेवलेंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आइस एक एग्जांपल हो सकता है ब्लैक बॉडी का, जो कि हमारा ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा। बाकी एग्जांपल्स क्या हो गए, काजल हो गया, लैम्प ब्लैक, ठीक है, इसको कहते हैं लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक हमारा एग्जाम्पल है एक ब्लैक बॉडी का, आइस भी हमारा एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी का फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां पर क्या करेगा, ये एमिट कुछ भी नहीं करेगा, सबका सब क्या कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या देखा गया, जैसे मान लीजिए कोई एक मेरा मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मेरा मेटल है, यहां पर मैंने एनर्जी को स्ट्राइक कराया, ठीक है, एच न्यू एनर्जी को, आपको पता है इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, लिख देते हैं, एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है या एच सी बाय लैम्डा होती है। एच क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो जब हमने इस पे एच न्यू एनर्जी को मारा तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमेना है जहां पर एक बीम ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है
तो सरफेस पे फॉल करने के बाद यहां से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट होने लगते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहूं, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब लाइट के जब यहां पर स्ट्राइक करेंगे फोटॉन्स, इसको कहते हैं फोटॉन्स, लाइट का जब हमारा फोटॉन स्ट्राइक करेगा तो उसके कारण क्या होने लगेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज भी हमारे साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले इस फिनोमेना को हमारे को ऑब्जर्व किया। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, कहा यहां पर कि जो एक हमें मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही होगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए, तो जो मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन जितना हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए, उसको हम लोगों ने बोल दिया थ्रेशहोल्ड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको हम लोगों ने बोल दिया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसको हमें देना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ताकि वो वहां से सरफेस से रिमूव होने लग जाए, ठीक है। तो ये होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली क्या होती है, हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये हमारे रेडिएशन की क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। फिर वर्क फंक्शन की बात करें, एक टर्म होता है यहां पर वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है हमारा, मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी बताया था, ये मिनिमम एनर्जी हो गई, ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी हो गई ऑफ रेडिएशन की, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाती है W नॉट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W नॉट, ये होती है H न्यू मैक्स, एच न्यू मैक्स, ठीक है, और ये हो जाती है हमारी एच सी बाय लैम्डा मैक्स, ठीक है, सॉरी एच न्यू मिन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दे, अपॉन लैम्डा मैक्स, ठीक है। ये हो गया मेरा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो मुझे रेडिएशन के पास चाहिए ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए, और हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की, उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि जब वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाए और इतना एनर्जाइज हो जाए कि हमारे मेटल से निकल भागे, ठीक है। तो ये हो गया एक बहुत बेसिक सा हमारा ओवरव्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मेरी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो गई, मेरी ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क फंक्शन, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए होगी टोटल में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पर देखें तो हो गया हाफ एम वी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू माइनस एच, ये देखिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये कितना है एच न्यू नॉट है, और ई क्या है एच न्यू, ठीक है, ई हो गया आपका एच न्यू, ये हो गया एच न्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो कि इजेक्ट होकर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गई मेरी क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा जो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, के ई दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक वेव नेचर तो है ही है, उसी के साथ इसके पास एक पार्टिकल नेचर भी देखा गया। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने बताया था लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्टिकल नेचर। तो यहां पर डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या चीज डिस्कस करेंगे, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल सबसे पहले इसमें देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सबसे पहले देखेंगे प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें क्या बताया, इसरो ने हमें यह बताया कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपकी ब्लैक बॉडी में, और यह भी बताया कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फंक्शन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अलग अलग टेम्परेचर पे। तो मेन पॉइंट क्या बताया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का फंक्शन है, और क्या हो गया हमारे, वेवलेंथ का फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग वेवलेंथ निकलती हैं। तो देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत शॉर्ट प्रोड्यूस होगी, तो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन निकलेगा। टेम्परेचर बहुत कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत हाई हाई वेवलेंथ रेडिएशन यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, देखिए E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, E क्या है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होगी जूल, H की हमें यूनिट पता नहीं, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है पर सेकंड। ठीक है, तो यहां अपॉन सेकंड ले लूं, तो H की जो यूनिट होगी मेरी, ये H क्या है मेरा, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेरा प्लैंक कॉन्स्टेंट, और प्लैंक कॉन्स्टेंट की क्या यूनिट हो गई, जूल सेकेंड। तो अब इसकी यूनिट मतलब वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट होती है 6.63 × 10⁻³⁴, 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आप लोग याद रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होती है हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और ई क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई, ई हमारी क्या है, उस फोटोन की एनर्जी, फोटोन क्या है, लाइट का जो पार्टिकल है जिससे लाइट हमारी बनी हुई है, और न्यू क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला मॉडल, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, थॉमसन का मॉडल देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, अब हम लोग देखेंगे बोहर्स का मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया था हमारे सन 1931 में, 1931 में इन्होंने दिया, और कैसे टाइप के सिस्टम्स के लिए दिया था, सिर्फ ऐसे टाइप के सिस्टम्स के लिए दिया था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही इन्होंने ऐसा हमें लॉजिक दिया, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए दिया था, फिर जैसे HE प्लस हो गया, क्या क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया, तो ये लिमिटेशन हो गई यहां पर सबसे बड़ी। फिर यहां पर इन्होंने कुछ अजम्पशंस माने, ठीक है, यहां पर इन्होंने कुछ अजम्पशंस माने, तो अजम्पशंस क्या कहते हैं, सबसे पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स आपकी न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, और ना ही एनर्जी गेन कर रहे हैं ना ही एनर्जी लूज कर रहे हैं। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड, रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दे आर नाइदर गेनिंग एनर्जी नॉर दे आर लूजिंग एनर्जी। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, ये हमारे कैसे ऑर्बिट्स थे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे। ठीक है, ये हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ऑलराइट। और फिर यहां पर दूसरा बताया, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम। फिर उन्होंने दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बताया कि हमारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो है किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, कहेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल
फंक्शन ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक है, एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो ही उस होगा, तो मतलब एम वी आर ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ऐसे ही उसी ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम पाएंगे। एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑलराइट, तो वीडियो सही आ रहा है एक बार, इस वीडियो ऑलराइट, साउंड क्वालिटी एक बार आप लोग वीडियो में बताते रहा करिएगा, ठीक है, तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। एन क्या है, एन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होंगे, तो हो गया एन हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने अजम्पशन बताया, तीसरा अजम्पशन ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में वो जंप कर जाएगा, तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक एनर्जी लेवल से या एक ऑर्बिट से वो दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर ये कूद जाएगा, ठीक है। तो जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ठीक है, ई टू माइनस ई वन ये हो जाएगी आपकी एच न्यू, यही हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। तो पहले उसकी एनर्जी ई वन थी, बाद में उसकी एनर्जी बढ़ के ई टू हो गई, तो ई टू माइनस ई वन क्या हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, कितनी उसकी एनर्जी में उसका राइज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इन्होंने फिर ये भी बताया कि जो हमारा सबसे स्टेबल स्टेट है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्टेट इज द ग्राउंड स्टेट, मोस्ट स्टेबल जो है हमारा इज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड मतलब जब हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में हो गए, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इज द ग्राउंड स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे ग्राउंड स्टेट में होने वाली है यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर इन्होंने बताया एक और पॉइंट था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे जाते जाएंगे, अवे जाते जाएंगे, तो एनर्जी लेवल क्या होते जाएंगे एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ठीक है, और एनर्जी गैप इनका जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी लेवल्स कम्स क्लोजर, क्या होंगे पास आते जाएंगे, कम्स क्लोजर एंड एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा हमारा, एनर्जी डिफरेंस यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि बात करें कि अगर हमारा एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 का ये बड़ा होगा, E3 माइनस E2 से ये बड़ा होगा, E4 माइनस E3 से और ये बड़ा होगा E5 माइनस E4 के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं ऑर्बिट्स आपके क्लोज आते जाएंगे और आपकी जो एनर्जी का डिफरेंस है वो घटता जाएगा, इन्होंने ये भी एक पॉइंट हमें बताया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पेक्ट्रा हमारा कब जनरेट होगा, स्पेक्ट्रा मेनली हमारा तब जनरेट होने वाला है जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पर कूद जाएगा और जब वापस आएगा तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ेगा। अब वो रेडिएशन किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा इसी से डिसाइड होगा हमारा स्पेक्ट्रम। अब हम लोग यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का देखेंगे। तो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा जंप कर जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया, इट हैज गॉन टू एक्साइटेड स्टेट।
और वहां पर क्या करेगा, वो एक रेडिएशन एमिट करेगा वापस से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। और जब ये आपका रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक फोटोन एमिट होगा। भाई जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन की, ठीक है। तो यहां पर एक ब्राइट लाइन दिखेगी आपको स्पेक्ट्रम में, ठीक है, क्या दिखेगी आपकी, ब्राइट लाइन दिखेगी। तो यहां पर अब मैं बनाता हूं कुछ सीरीज है और उसके रीजन्स बताएंगे, सीरीज बताएंगे, कुछ रीजन्स बताएंगे कौन से रीजन्स में उसका स्पेक्ट्रा लाई करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में क्लासिफाई किया गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीरीज, फिर यहां पर लिखेंगे किस रीजन को ये स्पेसिफाई करता है, फिर यहां पर लिखेंगे N1, N1 मतलब कौन सा लोअर स्टेट होगा, और यहां पर लिखेंगे N2 कहां कहां जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, लाइमन सीरीज, सबसे पहले हमारा आता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज होती है हमारी यूवी के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां होता है 1 से लेके 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है बामर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए विजिबल में रीजन, विजिबल में लाई करेगा, ठीक है। यहां हो जाएगा 2 से कहां जाएगा, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, 5th ऑर्बिट पे जा सकता है। अगला होगा हमारा पाश्चन, ठीक है, अगला होगा हमारा पाश्चन। पाश्चन में इंफ्रारेड आएगा, कहां से जाएगा, 3rd से, कहां पे जा सकता है, 4th, 5th, या 6th स्टेज पे जा सकता है। फिर आएगा ब्रैकेट, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग 11th, 12th में पढ़ते हैं। ब्रैकेट में आएगा, ये हो जाएगा मेरा इंफ्रारेड। देखिए कुछ चीजें आपकी 10th लेवल वाली नहीं है क्योंकि वो CMS सिलेबस की है, जो 10th वाली होंगी वो भी हम लोग कवर करेंगे और जो CMA है वो भी यहां पर कवर कर रहे हैं। तो इंफ्रारेड हो गया, 4 से कूद के जाएगा कहां पे, 5, 6, 7 के लिए, ठीक है। फिर आएगा पी फंड का आंसर रीजन होता है फार इंफ्रारेड, ठीक है, फार इंफ्रारेड। ये आएगा हमारा 5 से कहां जा सकता है, 6 और 7 पे। फिर आता है हमारा हमफ्री, ठीक है, फिर आता है हमारा हमफ्री रीजन। ये आएगा आपका, ये भी आएगा फार इंफ्रारेड में, ठीक है। यहां से कहां जाएगा, 6 से जाएगा कहां तक, 7, 8 और 9। यहां पर सिर्फ हमें क्या याद रखना है, कौन सा रीजन है उसे, मतलब कौन सी सीरीज है रीजन, और N1 और N2 की वैल्यूज हमें यहां पर याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बोहर्स थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन थे। भाई कुछ तो लिमिटेशन हैं इनके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन थे। सबसे पहला जो हमारा लिमिटेशन था यहां पर, ये अनेबल टू एक्सप्लेन थे। इन्होंने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाकी के एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिखेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के स्पेक्ट्रम को यहां पर इनका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए। फिर ये हमारे इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारे एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स जब बनेंगे तो उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो उसके कारण हमारे मॉलिक्यूल्स की शेप क्या हो जाएगी। तो दूसरा क्या था, केमिकल बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और मेनली मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या बनेगी, ठीक है, इस चीज का भी इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। थर्ड क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में इन्होंने काम नहीं किया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है किसी पार्टिकल की पोजिशन और वेलोसिटी दोनों को साइमल्टेनियसली करेक्ट, मतलब 100% एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एक चीज डिटरमाइन होगा तो दूसरा अनडिटरमाइंड रह जाएगा, दूसरा होगा तो पहला वाला अनडिटरमाइंड रह जाएगा, ठीक है। ये भी इस चीज को, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चीज ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ड्यूअल
मैटर सॉरी डुअल नेचर ऑफ मैटर वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड, ये इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे पाए. नेक्स्ट देखिए क्या था इसमें, ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग होने लग जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ज़ीमेन इफेक्ट. ठीक है, ये होता है हमारा ज़ीमेन इफेक्ट. तो ज़ीमेन इफेक्ट मेनली किस वजह से होता है, ये होता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा क्यों होता है ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन जो थी वो अनएक्सप्लेन हमारा ये रह गया. ठीक है, तो ये सब इनके डिसएडवांटेजेस थे या ड्रॉबैक्स थे हमारे. ठीक है, फिर आए एक महारथी, उनका नाम था डी ब्रॉगली. ठीक है, फिर आए एक महारथी, उनका नाम था डी ब्रॉगली, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, ठीक है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल. तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने हमारे इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया. ड्यूअल नेचर वॉज एक्सप्लेन्ड, किसका ड्यूअल नेचर, हमारे इलेक्ट्रॉन का. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूअल नेचर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारा एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है. इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, एक वेव एंड पार्टिकल दोनों है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि डी ब्रॉगली ने क्या चीज एक्सप्लेन करी. तो ये था ड्यूअल नेचर, मतलब दोनों तरीके से बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है. ठीक है, तो लैम्डा जो हमारी वेवलेंथ है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी, एच अपॉन एमवी. ठीक है, ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा है हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा क्या है हमारी वेवलेंथ हो गया, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल हो गया, मास ऑफ पार्टिकल हो गया, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया. ठीक है, वी क्या हो गया हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी हो गया. ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया था लीनियर मोमेंटम, एम और वी क्या हो गया एमवी हो गया इसका लीनियर मोमेंटम, एम हो गया एमवी हो गया लीनियर मोमेंटम. तो एच अपॉन टू इंटू के इंटू एम. ठीक है, वेर के क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी. तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 km. तो मैंने आपको बताया था जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो हमारे लीनियर मोमेंटम से किस तरीके से रिलेटेड है, ये चीज हम लोगों ने पहले ही अपने देख ली है. ठीक है, तो ये तो था हमारा डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस. फिर आता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें यह बताया कि किसी भी पार्टिकल की एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम को पता पाना इम्पॉसिबल है. तो देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन. देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हमने टेंथ में पढ़ा ही नहीं था, टेंथ लेवल तक नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, टेंथ में नहीं है, सीएमए सिलेबस में. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन क्या क्या, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब अगर आप मोमेंटम डिटरमाइन करोगे तो पोजीशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, पोजीशन करोगे तो मोमेंटम डिटरमाइन नहीं हो पाएगा. एक बार में एक ही चीज को हम लोग यहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इसको लिखा गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
is greater than or equals to h upon 4 pi, is greater than or equals to h upon 4 pi. ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, डेल्टा p क्या है, चेंज इन द मोमेंटम. तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी मॉड्यूल यहीं पर फिनिश होता है. लगभग एक मॉड्यूल या दो मॉड्यूल और यहाँ पर कवर करेंगे और हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच.